सवाल करता हूं। देखिए, अक्सर पूछा जाता है व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ होटलियर, मतलब होटल मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं या आप होटलियर बनना चाहते हैं या बन रहे हैं तो कैसा होना चाहिए आपका आचार विचार करेक्टर एंड योर ग्रूमिंग, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने बहुत पहले जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था और उसकी तैयारी कर रहा था तो एक किताब पढ़ी थी, उसके दो चीजें मुझे याद रह गई। पहली चीज कहती थी कि भी दुनिया में ऑयल और पेट्रोलियम बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, टूरिज्म उससे बड़ी इंडस्ट्री है। और दूसरी लाइन थी कि साहब ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एक्टर एंड डिसिप्लिन ऑफ एन आर्मी मैन इम्प्लाई टू अ होटलियर। तो बात कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधी है कि जितने इंग्रेडिएंट एक एक्टर के होते हैं और जितने इंग्रेडिएंट एक आर्मी मैन के होते हैं वो सारे होटल इंडस्ट्री में होते हैं साहब। और ये बात आज मैं लगभग 27 साल काम करने के बाद बिल्कुल कह सकता हूं, बिल्कुल सच है। तो दोनों पैमानों को देख लेते हैं आज कि ये लाइन क्यों कही गई कि भाई सारे जो फिनोमिनल एक एक्टर के होते हैं वो उसमें होने चाहिए। देखिए, एक्टर क्या होता है, ग्रूम्ड होता है, बोल सकता है, वेल बिहेव्ड होता है और वो अपनी चीजों को याद रख सकता है। देखिए, डायलॉग याद रखते हैं ना वो लोग। तो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स तो एक हीरो हीरोइन के होते हैं कुछ लगभग वैसे ही हमारे होते हैं, बहुत मेंटेन होकर रहना पड़ता है। आप दाढ़ी तो देखिए, अगर लड़के हैं बॉय हैं आप दाढ़ी नहीं रख सकते। वैसे आजकल कुछ कुछ होटल हैं जो लाइफस्टाइल प्रॉपर्टीज हैं जहां पे कुछ कुछ कैजुअल एटीट्यूड्स अलाउड हैं, पर ज्यादातर 99% हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत ही फॉर्मल इंडस्ट्री है। यहाँ पे क्लीन शेव्ड रहना या ये बोल सकते हैं ग्रूम्ड वे में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ढंग से कपड़े पहनना, शेव रहना, शूज शाइन रखना, हेयर कट ट्रिम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये सब चीजें करने का शौक नहीं है, आदत नहीं है, तो ये जगह आपके लिए है ही नहीं। और दूसरी चीज साहब, डिसिप्लिन, ये तो बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आर्मी मैन का होता है, हमारी ड्यूटी कभी कभी सुबह 5 बजे होती है, नाइट शिफ्ट होती है, ब्रेक शिफ्ट होती है और हमें टाइम पे पहुंचना होता है चाहे हम रात को कितना भी लेट हो जाएं, क्योंकि तो यही हमारी जॉब है, हमें इसीलिए ट्रेन किया गया है। और अगर आपको ये सब करने में तकलीफ है, इसकी आदत नहीं डल सकती आपको, तो मैं तो नहीं बोलूंगा आपका आपको इस करियर को चुनना चाहिए, बिकॉज ये करियर डिमांड ऐसी ही चीजें करता है। अगर आप आर्मी में हैं और आप बोलेंगे मैं सुबह सुबह उठ के परेड पे नहीं जा सकता क्योंकि रात को मैं थक गया था, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो होटल इंडस्ट्री में भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन बहुत हो, ग्रूम्ड बहुत ज्यादा हो, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो और ऑनेस्ट बहुत हो। देखिए, ऑनेस्ट होने का मतलब मेरा कुछ इस तरीके से है, आप जब होटल में होते हो तो गेस्ट बहुत एक्सपेंसिव चीजें लेकर आते हैं, उनके सेलफोन्स, उनकी ज्वेलरीज, उनका सामान काफी एक्सपेंसिव होता है जो उनके रूम में रखा रहता है। और अगर आप उस सबको देख के लालच में आ गए, लौर में आ गए और आपको उसको स्टील करने का मन किया तो आप खतरे में पड़ सकते हो। तो ऑनेस्टी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब इंग्रेडिएंट अगर आपके अंदर हैं तो मेरे को लगता है कि होटल मैनेजमेंट आपके लिए एकदम उपयुक्त है, आपको जरूर आना चाहिए बिकॉज बहुत ही अच्छा करियर है। जो लोग कहते हैं इसे नहीं करना चाहिए, बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है साहब और सैलरीज नहीं अच्छी है, साहब देखिए एक बात बहुत सिंपल है, बहुत कैजुअल टॉक कर रहा हूँ मैं, नथिंग इज रिटन और याद किया हुआ कुछ नहीं है, मैं सब कुछ एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। कहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है, आप डॉक्टर बनते हो तो क्या जरूरी है कि आप अपने शहर के top 10 डॉक्टर बन ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत अच्छा चलते हैं और कुछ नहीं भी चलते हैं, सबकी अपनी अपनी स्किल सेट है। तो अगर आपने मेहनत करी है और ढंग से पढ़ाई करी है और ढंग से ट्रेनिंग करी है अपनी, तो जरूर आप कुछ ना कुछ अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। अगर ये सब नहीं किया है, कैजुअली हर चीज को लिया है, तो नहीं पहुंचेंगे, मुश्किल है। खाली डिग्री होगी आपके पास, वो तो रो धो के जैसे तैसे मिल जाएगी। तो अगर इसको आप करियर की तरह लेते हैं तो करियर की तरह सीरियस भी हो जाएंगे, तो कोई परेशानी नहीं है। बाकी मेरा ये कहना है कि अगर आप डिसिप्लिन हैं, आपको सर्विस करने का शौक है, तो जरूर वेलकम टू होटल इंडस्ट्री।